अस्सलाम वालेकुम साथियों, इस वक्त कोई 10:30 बजे हैं सुबह के, और हमारी जो वाइट वॉशिंग है वो ड्राई हो चुकी है और कलर्ड वॉशिंग जो है उसको ख़त्म होने में ये 1 मिनट रह गया है। अब तक हमने ये कर लिया है कि हमने सारे ये जो कपड़े थे वाइट वाले ये समेट लिए हैं, रख लिए हैं, टांग लिए हैं, तौलिए अभी अंदर जाने हैं, और ये एक दो चीज़ें हैं जो हमने अंदर लेकर जानी है। इस गैप में जब ये हम उठा चुकेंगे और नई वॉशिंग फैलाने के दरमियान का जो वक्त है उसमें हमने ये एरिया जो है ये ब्लो करना है। आप देख सकते हैं किस कदर डस्ट है, ये देखें तो खुश्की है जैसा कि हम बताते हैं, बिल्कुल ड्राई है। और बहुत डस्ट जो है ये ज़रूरी नहीं है कि मिट्टी ही हो, क्योंकि मिट्टी तो आप देखें यहाँ पर इतनी दिखाई देती ही नहीं है, मिट्टी है ही नहीं, ये सारा कुछ चूरा है, कुछ पॉलिन है फूलों का। आपने देखा हमने जो कुक टॉप अपनी बेटी की दिखाई है उसके ऊपर किस कदर पॉलिन रख पड़ा हुआ है, उस पर डस्ट पार्टिकल्स नहीं है, उस पर जो ट्रीज़ हैं ये यूकलिप्टस ट्रीज़, जब इन्हें फूल आते हैं तो इनका पॉलिन झड़ता है, तो वो इतना बारीक होता है कि जो मॉस्किटो मैश है उससे भी अंदर आ जाता है। और पत्ते देखें किस कदर हैं, पूल में देखें किस तरह पत्ते जो हैं वो गिरे हुए हैं। तो ये जो मशीन है ये पता नहीं हमने आपको कभी दिखाई है कि नहीं, ये सारे पत्ते चुन लेगी, अभी हम इसको ऑन करेंगे तो ये साफ़ कर देगी पूल को बिल्कुल। और अब हमने एक तो ब्लोअर अंदर से उठाना है, ला के बाहर रखना है जब हम एक बार गैराज में जा ही रहे हैं, और उसके बाद हमने चिकन निकालनी है जो हमने पकानी है और ब्लोअर, ये रहा ब्लोअर, इसको हम बैटरी को निकालें, ये देखिए, और ये हम ब्लोअर में लगाते हैं, इसको लेकर चलते हैं, चार्ज्ड है, और इसको यहाँ रखें ब्लोअर को, और इधर से निकालें चिकन। ये है चिकन जो हमने रखी हुई है, ये तो शायद बोनलेस रखी है इस बार इधर, और चिकन इधर है फ्रीजर में, पैकेट हमने ले लिया तो बेहतर है। तो ये हार्मोन फ्री चिकन है, हम कटवा के इस तरह पर पैकेट कर देते हैं। तो ये हमने निकाली और हमने पकड़ा ब्लोअर, अब हम किसी बास्केट में डाल लें क्योंकि दो चीज़ें जो हैं वो हमसे तो उठाई नहीं जानी। तो अब सबसे बड़ी जो समझदारी की बात है इस सारे सिलसिले में वो ये है कि आप सुबह उठें, अगर आप उठने में देर करेंगे, जागेंगे देर से, तो आपकी ज़िंदगी की हर चीज़ पीछे डल जाएगी। तो ये चीज़ जो है ये एक सक्सेसफुल कामयाब खातून खाना के लिए ठीक नहीं है, ना वो अपने बच्चे बना सकती है, ना वो खुद घर संवार सकती है, देख सकती है। अब हमारी जैसे ज़िंदगी है, हम विश करते हैं कि हमारी लाइफ में कभी ये वक्त हो कि हमें भी बैठने का वक्त मिले, हम भी टीवी के सामने बैठें, एक कप चाय पिएं। हमारी ज़िंदगी में इस चीज़ की कोई जगह नहीं है। तो यहाँ अभी हमने डस्टिंग करनी है थोड़ी बहुत, ऐसे फ़ायदा कोई नहीं है, अंदर की भी हमने नहीं डस्टिंग की हुई, कर भी लेंगे तो 2 घंटे बाद आपको फिर यही कुछ दिखाई देगा। यही वजह है कि हमने ये देखें जालियाँ भी नहीं धोई हैं, किस तरह से ये डस्ट से अटी पड़ी हैं। तो बल्कि बेहतर है कि ये इस वक्त ऐसी ही रहें, क्योंकि अगर हमने धो ली तो अंदर का तो बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा, तो बहुत सी डस्ट यहाँ पर जमा होके बाकी की डस्ट का रास्ता रोक भी लेती है। तो ये चीज़ें जो हैं यहाँ पर साथ के साथ आपको करनी ही पड़ती हैं। एक बड़ा काम जो है वो आपने दिन का करना ही करना होता है, इसके बगैर आपका सब कुछ प्रॉपरली चलता नहीं। जब जैसे 10 दिन नहीं गुजरेंगे घास काटने वाली होगी, महीना नहीं गुजरेगा बरामदे धोने वाले होंगे, 2 महीने नहीं गुजरेंगे जालियाँ धोने वाली होंगी, 2 हफ्ते नहीं गुजरेंगे किचन की जो कैबिनेट्स हैं उनको आपने बैम डाल के साफ़ करना होगा, चूल्हा साफ़ करना होगा, इजी ऑफ 5 मिनट्स का जो क्लीनर होता है ओवन क्लीनर वो हम चूल्हे पे डाल देते हैं, मेक श्योर करते हैं कि वो चूल्हे से बाहर ना गिरे कुक टॉप से, उसके साइडों पे हम फॉइल लगा लेते हैं और उसकी नॉब्स भी हम फॉइल से कवर कर देते हैं, वरना अगर वो
तेजाब की तरह होता है, अगर वो प्लास्टिक पे पड़े बाज़ औक़ात या बेंच टॉप पे पड़े तो उसका रंग जो है वो ख़राब कर देता है। तो इस वजह से हम उनको पहले कवर करके रात को वो स्प्रे कर देते हैं, सुबह फिर सारा कुछ धो लेते हैं। जो उसके ऊपर के कड़े हैं वो हम डिश वॉशर में डाल देते हैं, रेंज हुड के भी जो मैश होती है ऊपर फिल्टर्स होते हैं वो भी हम डिश वॉशर में डाल देते हैं, तो सब जो है साफ़ सुथरे धुल जाते हैं। तो ये कॉन्स्टेंट काम है जो आपने करने ही करने हैं। ये रात की रानियाँ देख लें, काटनी पड़ती हैं, आप नहीं काटेंगे ये नहीं फूल देंगी, ये मरी मरी सी खराब सी जो है ये होती रहेंगी। ये देखें, आपको दिखाएं किस तरह इन पर फूल आ रहे हैं। अब ना बारिशें हैं ना पानी है आजकल, लेकिन आप देखें क्यों है ऐसा, ये देखें किस तरह से कलियों भरी हैं। इसीलिए है कि इनको इनके वक्त पे काटा गया है, इन पे तवज्जो दी गई है। ये देखें हरी भरी, वरना ये झाड़ जंगल उजड़ा पुजड़ा सा जो है ये हाल होता इनका। तो ये चीज़ें वो हैं जो आपने करनी ही करनी होती हैं, और ज़िम्मेदारी किसकी है। हमारे यहाँ तो सारे ही आदमी डॉक्टर हैं। सोनी अभी पढ़ रहा है, उस बेचारे को तो होश ही नहीं होती, और वही है जिसको हम घसीटते हैं हर बार। और बाकी घर वाले जो हैं वो मुंह अंधेरे निकलते हैं, मुंह अंधेरे आते हैं, उन्होंने क्या घर को देखना है, ज़िंदगियों में देखना है। और वीकेंड पे हमें कहते भी उनको कोई ऊंची नीची बात कि ये कर दो या वो कर दो, शर्म आती है कि बेचारे सारा हफ्ता एक मुजाहिद की तरह जाते हैं, घर से निकलते हैं, ड्यूटियां भी उनके ऐसी सख्त होती हैं, उनको फुली अलर्ट होना ज़रूरी है। दामाद भी स्पेशलाइज कर रहा है, बेटा भी स्पेशलाइज कर रहा है, तो उनका हाल ऐसा होता नहीं है। और दामाद की और बेटे की तो नाइट्स भी होती हैं कि वो घर में या कोई इस तरह के सिलसिलों में जो घरेलू काम होते हैं उसमें कोई हाथ बटा सकें, करते हैं, ये नहीं कि नहीं करते, साथ साथ होते हैं, बार बार आके पूछते हैं कोई हेल्प चाहिए कोई हेल्प चाहिए, लेकिन हमें खुद ही थोड़ा ख्याल होता है कि चलो हम तो घर में हैं, थक भी गए बैठ गए, ये तो बेचारे बैठ भी नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं इनका ध्यान करना पड़ता है, यही वजह है कि सारा वक्त हम अपने टिपी टोस पे रहते हैं। तो अभी 10:30 हुए हैं सुबह से, आप देख लें हमने अपना बेडशीट बना लिया, थोड़ी एडिटिंग कर ली, कलर्ड वॉशिंग कर ली, वाइट वॉशिंग सुखा के उठा के रख ली, बेटी के कपड़े थे वो भी तह करके रख दिए हमने और ऐवान ने किए, और ऐवान जो है वो साथ साथ देखता है, बच्चा है तो उसको पता है, उसकी ये तरबियत का हिस्सा है कि उसने ये काम करने हैं। नानों के साथ वो रोज़ निकलता है, रोज़ संभालता है उठाता है, बार बार कहता है वो यानी ब्लोअर, और पता पता ये पत्तों को उसको सारे हमारे कामों का पता है, और उसको पता है कि इस वक्त ब्लो करने की ज़रूरत है क्योंकि पत्तों का जो है वो एक ढेर दिखाई देता है। तो इधर अभी फिर रहा था, ये बारबेक्यू किया कल बेटी ने, तो कहता यम यम यानी कि खाने की, फिर कहता क्लॉक, फिर ये देख के कहता कि हाँ ये हीटर हैं, हाथ आगे करके सेक रहा था। तो ये सारी चीज़ें बच्चा जो है वो लेकर चलता है, सीखता है, हमें हैरत होती है बाज़ औक़ात उसकी सोच पर, उसकी अप्रोच पर। और ये देख करके 1.5 साल का, वो सिर्फ 1.5 साल का है अभी, इतना छोटा सा है कि इतना छोटा सा बच्चा इस कदर जहान इतना बड़ा एक अपने अंदर समोए हुए है कि उस घर में क्या हो रहा है उसको अपने अराउंड की इतनी खबर है, सराउंडिंग्स की, कि क्या चीज़ किस वक्त होनी चाहिए, क्या रुकी है, क्या चल रही है, हर चीज़ पर उसकी नज़र है। तो यही वो वक्त है, यही वो तरबियत है इस वक्त जो वो पा जाएगा और अपनी एक सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजारेगा, एक अपना उसकी जगह होगी, उसका जहान होगा, उसकी कामयाबियां होंगी, उसकी तरक्कियां होंगी, वो सुबह सुबह उठ के दौड़ पड़ने वाला होगा। जो हमने पहले भी ये जुमला इस्तेमाल किया एक बार कि जो लोग सोए रहे वो कौमें सोई रहीं, उनकी किस्मत सोई रही। तो ये चीज़ जो है ये नहीं होनी चाहिए, अर्ली मॉर्निंग उठ के अपने काम काज संवारने चाहिए, करने चाहिए। तो हाउसकीपर है, क्लीनर है, वीक में 2-3 दफ़ा आ जाती है, वैक्यूम कर जाती है, मॉप कर जाती है, लेकिन उसके बावजूद हम खुद भी मॉप करते रहते हैं। यही वजह है कि हमारे कंधे अमूमन दुखते रहते हैं, इस वक्त भी हम पेन किलर खा के जो है वो भागे फिर रहे हैं। तो ये ज़िंदगी है, ये लाइफ है। तो बस अभी जल्दी से अब कलर्ड वॉशिंग हम डालते हैं और 4:30 बजे हम निकलेंगे उसको उतारने के लिए, और फिर देखेंगे कि क्या क्या काम जो है वो करने वाला है हमारा। और इस दौरान हमने खाना बनाना है, चिकन हमने निकाल ली है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, ये हमारी दोपहर थी। अल्लाह हाफिज़।